गाजियाबाद मेरठ हाईवे को लेकर मेरठ के किसान मुआवजे को लेकर गुस्से में हैं। हाईवे का विरोध करते हुए मेरठ के किसान गाजियाबाद पहुंचे और प्रदर्शन किया। किसान गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी पहुंचे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सभी को एक समान मुआवजा दिया जाए और जिन किसानों की जमीन हाईवे के दोनों तरफ है उनको निकलने का रास्ता भी दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हाईवे का काम रोक दिया जाए। कि जो मेरठ दिल्ली हाईवे बन रहा है उसमें कुछ किसानों को तो मुआवजे ज़्यादा दिया गया है, कुछ किसानों को मुआवजा कम दिया गया है, तो सेम रेट नहीं किए हैं, दो मुआवजे बना दिए हैं। जब मांग ये है कि सेम रेट सभी किसानों का सेम रेट होना चाहिए मुआवजे का, और अंडरपास जो उसके साइड में सर्विस रोड है उस रोड की मांग है। किसानों का खेत आधा हाईवे के इस साइड आ गया है, आधा एक किसान का पल्ली साइड आ गया है। ट्यूबवेल इधर है तो पल्ली साइड में जो खाली पड़ा है जाने के लिए रास्ते भी नहीं है। तो किसानों की ये मांग है कि सभी को समान मुआवजा दिया जाए और सर्विस रोड दिया जाए। यदि मांग नहीं मानी जाएंगी तो भारतीय किसान यूनियन का तो पूरा समर्थन है, भारतीय किसान यूनियन बलराज का किसानों को पूरा समर्थन है। यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे राज्यों में भारतीय किसान यूनियन बलराज आंदोलन करने का काम करेगी। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए 5 अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने किसानों से मुलाकात की। अधिकारियों ने किसानों से कुछ समय मांगा और अधिकारियों की मांग पर किसान बातचीत के लिए राजी हो गए। दरअसल कल शाम को ही ये तय हुआ था कि किसानों के बीच से जो किसान संघर्ष समिति है वो जाके जिला प्रशासन से बात करेगी, विशेषकर एडीएम लैंड एक्विजिशन, एडीएम फाइनेंस से जो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और वो सब पूरा मैटर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा। आज सवेरे जैसा कि कल तय हुआ था ये लोग गए, वहाँ वार्ता किए और वार्ता करने से ये काफ़ी संतुष्ट हैं, चूँकि एडीएम लैंड एक्विजिशन सब नए आए हैं, इन्होंने खुद उनको 7 से 10 दिन का समय दिया हुआ है और पर डे इनकी कमेटी कलेक्ट्रेट आएगी और उस कार्यों की समीक्षा करेगी जो इनको लेके किए जा रहे हैं। उसमें एनएच के भी प्रतिनिधि रहेंगे जिससे कि चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट हो सके। कमिश्नर मैम से भी ये लोग मिले थे पदयात्रा करके, उसमें भी यही लक्ष्य था कि इनका जल्द से जल्द उचित समाधान हो जाए, और जिला प्रशासन का भी यही लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए। वार्ता का जो क्रम था इसी बात पर तय हुआ कि अगले 10 दिन तक संतुष्टि का लेवल तय होगा और अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम काम रोक देंगे। किसानों के इस आंदोलन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे जो मेरठ से पैदल गाजियाबाद तक आए हैं और किसानों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।